हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पटवारी फिटनेस। मेरा नाम है रीट एंड आज की वीडियो में आपको बताऊंगी मैं लेग फैट को अगर आप दूर करना चाहते हो, सैडल बैग्स हो गए, आपके हिप डिप्स हो गए, आपके जो ग्लूट पे फैट है, इनर थाइज हैं, एक एक एक्सरसाइज बताऊंगी, चार से पांच शेयर करूंगी, डिपेंड्स ऑन माय मूड ऑब्वियसली, या कितनी टफ बता रही हूँ एक्सरसाइजेस जिनको आप करते हो तो यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस विद इन अ मंथ, ना एक दिन में, ना सात दिन में, ना दस दिन में। ऑब्वियसली कोई भी एक्सरसाइज अगर आप चाहते हो आपको रिजल्ट मिले, कोई भी चीज़ है, ऑब्वियसली अगर आप गेन करना चाहते हो वेट या लूज करना चाहते हो तो आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम लगता है यार, राइट? उसको आप कह सकते हो 15 दिन 21 दिन महीना, इतना टाइम लगता है आपकी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में। मैं वो कहती हूँ 2 से 3 हफ्ते तो बॉडी को अडेप्ट करने में लग जाते हैं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो या आप डाइट कर रहे हो, आप ज़्यादा खा रहे हो, आप कम खा रहे हो। तो इस कोई उम्मीद मत करना एडवांस में, शुरू में ही वीडियो के मैं बता दूँ कि आप 10 दिन में आपको रिजल्ट पड़ जाएगा, बट बाय द टाइम आई विल से विद इन अ मंथ यू विल स्टार्ट सीकिंग रिजल्ट्स, के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बॉडी टोन हो रही है, फैट जा रहा है, जो स्किन लटक रही थी वो सही हो रही है। कई लोग इस चीज़ से बड़े परेशान होते हैं, सैडल बैग्स होते हैं, ग्लूट पे बहुत ज़्यादा फैट है, तो उस फैट को दूर करने के लिए, इनडायरेक्टली बॉडी को टोन करने के लिए, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस। शुरू करने से पहले रिमेंबर दैट जब भी आप अपर बॉडी हो, लोअर बॉडी हो, कोई भी अपना बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हो तो उससे पहले हमको करना की जरूरत होती है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग के लिए लेग के लिए मैं 2-3 तरह की स्ट्रेचिंग है। अपनी टांग को बिल्कुल लूज छोड़ देना है, लेग स्विंग्स करने हैं आपने 20 ईच साइड, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 20, same with the other leg, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, right? These two, अब करेंगे हम high knees कर ली थोड़ी सी ताकि आपके glutes का वो हो जाए, वार्म अप अच्छे से हो जाए, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 50 enough होंगी। आपने लेग स्विंग्स की, आपने हाई नीज की 50, उसके बाद हम मलासना कर लेना, सो दैट आपके जो मसल्स हैं सारे वो अच्छे से खुल जाएं, दिस द इंडियन पॉटी सेल पोज में आके जस्ट स्ट्रेच इट प्रॉपरली। होल्ड करना है 10 सेकेंड, होल्ड किया, देन कमिंग बैक बोथ द लेग टुगेदर स्ट्रेट, घुटने बैंड नहीं करने हैं, एंड फ्लो टच करना है, 15 से 20 सेकेंड होल्ड करना है, आपके हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचेज हो जाएंगी इसमें, 5, 10, 15, 20, डन। अब हमारी स्ट्रेचिंग हो चुकी है तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इनर थाई के लिए। इनर थाई के लिए देयर आर 2 ऑप्शन, आप इजी एंड टफ दोनों वेरिएशन कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो ज़्यादा बॉडी फैट होगा, जंप नहीं कर पाएंगे, जल्दी थक जाएंगे, दूसरी कैटेगरी जो जंप कर पाएंगे इजीली। तो आपको पहले इजी वेरिएशन दिखाती हूँ, बोथ द लेग टुगेदर, दोनों लेग साथ में, लेग बाहर रखी, फ्लोर पर टच किया, वापस आ गए, राइट? आपको थोड़ा सा प्रॉपर क्लियर व्यू देने के लिए साइड से भी देख लीजिए, नॉर्मल खड़े हो, लेग वाइड ओपन, स्क्वाट करते हो नीचे जाना है, कम बैक अप, 1, 2, 3, फ्रंट से देख सकते हैं आप, 4, 5, 6, यहाँ पे फील आ रहा है इनर थाइज पे, तो ये इनर थाई के लिए एक्सरसाइज है, 10, 20, 30, जो इजी वेरिएशन कर रहे हैं वो करेंगे 30 बार। अब जो लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं वो करेंगे इसको 30 बार अगेन, लेकिन उनके लिए तरीका अलग है, बोथ द लेग टुगेदर, जंप आउट, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 25, 30। तो दोनों तरह की वेरिएशन बताई, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है वो भी कर सकते हैं, घुटने उठने में पेन है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इजी वेरिएशन बताई, जो नॉर्मल है जिनका बॉडी ठीक है वो भी कर सकते हैं। 30 रैप्स आप दोनों लोगों को करने हैं, ठीक है? अगर आप ज़्यादा कर सकते हो इट्स अप टू यू, बट 30 इज समथिंग विच आई वॉन्ट कि करना ही करना है, राइट? नंबर टू आते हैं, ऐसी कोई दीवार हो कुछ भी आपके पास पकड़ने के लिए, एक लेग पे बॉडी वेट और साइड से 1, 2, 3, इनर थाई के लिए अगेन 4, 5, लेग बिल्कुल सीधी, 7, 10, 15, 20, 25, 30। फिर हम करेंगे अपना लेग स्विच अगेन, 1, inner thigh ke liye 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 20, 30। रिमेंबर दैट लेग सीधी रहे। अब जो इजी है टफ है दोनों के लिए सेम है, क्योंकि एक्सरसाइज खुद इजी है, लेकिन जब करोगे आपके इस एरिया में आएगा तो आपको हल्का हल्का पेन होगा, लेकिन आपने करते रहना है लेग बिल्कुल सीधी, 3, 4 लाइक दिस, राइट? 30 रैप्स ईच साइड। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, ये है जंपिंग स्क्वाट्स। पहले टफ वाला देख लो फिर इजी करके दिखाने की कोशिश करूंगी। दिस इज स्क्वाट पोजीशन में आ गए,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 है, ये थी टब वेरिएशन, 30 करने हैं. बिलीव मी, ये आपकी फुल बॉडी पे आएगा, फुल बॉडी इन इंदर भी आपके ग्लूट्स पे, हैमस्ट्रिंग पे, थाइस पे, इनर थाइस पे, क्योंकि आपने लेग से वाइड ओपन की. 1, 2, 3 लाइक दिस. जो ऐसे ना कर पाए बिना जंप के, उन्होंने सिर्फ एक काम करना है, स्क्वाट पोजिशन में आके आगे की तरफ को वॉक की. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25, 30 सेम इम्पैक्ट आएगा, चाहे जंप करो चाहिए. हमारा फोकस तो लेग्स पे हो रहा है ना प्रॉपर, राइट. अब बढ़ते हैं तीसरी चौथी एक्सरसाइज की तरफ अपनी. आपने मैट ले लेना है अपना, आप चाहो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आप करेंगे फायर हाइड्रेंट हम. 1 नॉर्मल, अगर आपके पास बैंड वगैरह हो घर पे आप उनको भी यूज कर सकते हो. आप देखिए पोस्चर, पीठ बिल्कुल सीधी, आर्क रख ली चलेगा. उसके बाद अपना घुटना बैंड कर लिया. 1, 2 ये आपके इस एरिया पे आता है. 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 25, 30 30 से कम नहीं करना, क्योंकि 30 से कम में पता भी नहीं लगता है. 30 तक करोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं करवा क्यों रही हूँ. देन स्विच योर लेग अगेन. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 डन विद दिस वन. उसके बाद करेंगे लास्ट एक्सरसाइज वॉल सेट. दीवार ले ली हमने, दीवार के पास चले गए, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं ना, पीठ दीवार से लगी हुई इस पोजीशन में, जैसे कुर्सी के ऊपर बैठते हैं. और ऐसे शुरुआत में आप 30 सेकंड बाकी एक मिनट तक होल्ड करना है. थोड़ी देर में आपके लोअर बॉडी में आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि क्या हो रहा है, ग्लूट्स पे, लेग्स पे, इनर थाई पे, थाइस पे, सैडल बैग्स पे होल्ड करना है. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 डन विद दिस वन. लास्ट में स्ट्रेचिंग करनी है. ये हो गया हमारा 5 एक्सरसाइजेस का एक सेट. आपने करने हैं 5 सेट, 30-30 रेपिटेशन, 5 सेट एंड गुड टू गो. वंस आपके 5 सेट पूरे हो जाए, शुरुआत में हम प्रीटी श्योर आप लोग 2 कर पाओगे, 3 सेट कर पाओगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप दूसरे तीसरे हफ्ते में 5 सेट तक पहुंच जाए. फिर करेंगे स्ट्रेचिंग, किसी दीवार के पास चले जाइए, अगर बिना दीवार के बैलेंस बन जाता तो बैलेंस बना लीजिए. इसको कहते हैं क्वाड स्ट्रेच. सी, दोनों हाथों से आपने पकड़ ली अपनी लेग, होल्ड करना है, क्लाइम में सीधा रखना है, तो जो आपको पेन होने वाला है अगले दिन वो थोड़ा कम होगा. होल्ड करना है 10-15 सेकंड्स. 5, 7, 10, 12, 15 स्विच योर लेग. 1, 2, 5, 7, 10, 12, 15 देन विल डू द ताड़ासना. आपके पूरी लेग्स के स्ट्रेच हो जाएगी. हैंड स्ट्रेच ऑन योर टोज, होल्ड इट. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 दैट्स ऑल. सो सिंपल सा आपको प्रोसीजर वार्म अप से लेके आपको लास्ट तक स्ट्रेचिंग तक बता दिया, कितने सेट करने हैं, कब करने हैं. हाँ, कब करने हैं नहीं बताया, जब आपको टाइम मिले. आप सुबह करो, दिन को करो, शाम को करो, या रात को सोने से पहले, अप टू यू. लेकिन करना एक साथ ही है कि आराम से 2-3 सेट लगाए, या 5 लगा पाओ तो 5 लगाए, एंड फिर उसके बाद अपने आप आराम किया. कभी भी लगाओ आप एक्सरसाइजेस, 2 से कम सेट नहीं करने हैं ताकि अच्छे रिजल्ट दिखे. 5 सेट लगाएं अगर अच्छे से अच्छे रिजल्ट चाहिए तो. इन एक्सरसाइजेस को ट्राई करना, रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करना, चाहे इंस्टाग्राम पे कर लो, चाहे यहाँ कमेंट कर दो. मेरे अंडर ट्रेन होना चाहते हो तो यू कैन इंस्टाग्राम, मेरी आईडी है नीचे, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, नंबर दिया गया, वहाँ पे क्वेरी सेंड कर सकते हो आप अपनी. अगर पर्सनल पे ट्रेनिंग लेना चाहते हो, वीडियो कॉल या ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो वो भी अवेलेबल है. तो आप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मच लव टू यू ऑल गाइस.